हरदोई में पिछले 7 दिनों से लापता नया गांव निवासी एक युवक का शव उसके ससुराल गांव के नाली में पड़ा मिला। मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाया। परिजनों के मुताबिक ससुराल में पत्नी से विवाद के बाद से ही गायब था, जिसकी शिकायत उसकी पत्नी द्वारा स्थानीय थाना पर दर्ज कराई गई थी। मृतक के पिता सुरेंद्रपुर जगन्नाथ निवासी नए गांव के अनुसार बेनीगंज थाना क्षेत्र के गेंगलापुर गांव किनारे पश्चिम और नाली में खोजबीन के पश्चात सवेरे 7 बजे अपने पुत्र के शव को पड़ा पाया। उसकी शिनाख्त अपने पुत्र दुर्गेश के रूप में की और पुलिस को मामले की सूचना दी। सुरेंद्र ने बताया कि उसके पुत्र की शादी 6 बरस पहले गेंगलापुर निवासी भूटान की बेटी रानी के साथ हुई थी। मृतक दुर्गेश लगभग 9 माह से गाजियाबाद में मजदूरी करता था। 15 फरवरी को दुर्गेश अपनी ससुराल आया था। ससुराल में ही 18 फरवरी को किसी बात को लेकर पत्नी रानी से विवाद हो गया। उसी रात लगभग 11 बजे के बाद से वह गायब था। घर ना पहुंचने पर सभी ने खोजबीन की पर जानकारी नहीं हुई। पीड़ित मृतक के पिता ने यह भी कहा कि उसने प्रार्थना पत्र लेकर कोतवाली तक कई बार गया पर कोई सुनवाई मामले में नहीं की गई। नया गाँव के निवासी हैं, मजरा माजी गवाह है हमारा, थाना बेनीगंज है, जिला हरदोई है। हमारा लड़का गाजियाबाद में काम करता था, वहाँ से बहू ने उसको फ़ोन पे बुलवाया और यहाँ उसको मरवा दिया। हम लोग उस समय रायपुर रुड़की में काम कर रहे थे। फिर मुझको उसने फ़ोन द्वारा सूचना की कि तुम्हारा लड़का कहीं गायब हो गया है, आओ इसको ढूंढो। वो हमको 8 दिन झांसा देती रही, हम उसको बराबर ढूंढते रहे। फिर उसके भाई ने फ़ोन के ज़रिए बताया, कहा तुम्हारा लड़का हम 8 दिन के अंदर ढूंढ कर कहीं से दे देंगे। बार बार लगातार हम ढूंढते रहे। वो सब अपने मकान पे बैठे रहे। उस दिन जिस दिन हमारे लड़के का शव मिला, उस दिन हम उनको सबको फिर सूचित करने जा रहे थे, घर में आप लोग बैठे हैं, हम बराबर ढूंढ रहे हैं। उसके पहले नहर के किनारे हमको हमारे लड़के का शव दिखाई पड़ा, वहाँ पे बदबू आई तो मैंने रुकवाई मोटरसाइकिल रोकी। फिर देखा तब मैंने पुलिस को बताया। पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं किया। वो कह रहे हैं वो लड़का नशे में था, वो गिर के उसकी मृत्यु हो गई है, जबकि हमारे लड़के के अपराधी बराबर घूम रहे हैं, हंस रहे हैं, कह रहे हैं जाओ जितना करो उतना कर पाओ, देखें कौन करता है। कौन है वो लोग? वो लोग हैं उसके हमारी बहू के घर वाले, परिवार वाले, माँ बाप, उसके भाई बहन, ये सब यही कहते हैं। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारे लड़के की रिपोर्ट लिखी जाए और उनको सजा दिलाई जाए। उसके 2 बच्चे हैं, उन्होंने बच्चों की तरफ नहीं देखा। हमारा लड़का पहले से उनका भांजा था, हम उनके बहनोई थे। बहनोई के लड़के को मारा जाता है, भांजे को मारा जाता है, हिंदू धर्म में ऐसा होता है। उन्होंने लड़कों की तरफ नहीं देखा। अगर हमारे लड़के ने कोई गलती की होती तो हमको बोलना था क्या गलती उसने ऐसी कर दी जो उसको मार दिया उन्होंने। पुलिस क्या कहती है? पुलिस कहती है हम इसकी जांच कर रहे हैं और रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है। और जब हम जाते हैं तो कहते हैं क्या बार बार करने आते हो, तुम्हारा लड़का तो दारू पिए था, नशे में गिर के मर गया, और रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं।